नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स। भाई कल यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉकियों के ऊपर कैरी मिनाटी ने एक वीडियो डाला और जितने टिकटॉकर्स हैं उनके गुर्दे छिले पड़े हैं। जैसे रामायण और महाभारत तो हम टीवी पर देख रहे हैं, वहां पर धर्म अधर्म का युद्ध हमने देखा है, यहाँ सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉकियों का एक युद्ध शुरू हो चुका है। टिकटॉकी ये क्या है ये सबको पता है। टिकटॉकियों को अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूं तो 100 चूतिया इक्वल टू 1 टिकटॉकिया। अब ये जो डायलॉग मैंने बोला है ना कि 100 चूतिया इक्वल टू 1 टिकटॉकिया, ये मैंने ऐसा ही नहीं बोला है, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये काम कोई चूतिया ही कर सकता है। आपने देखा एक लड़की एरोप्लेन के अंदर कमोड को चाट रही है, ऐसे ही कुछ चूतिया मेटिक वीडियोस टिकटॉक पर और हैं जहां पर कि लोग पैंट में सुसु कर रहे हैं, पी इन पैंट। पी योर पैंट्स चैलेंज। Pee your pants challenge. Pee your pants challenge. देखा आपने, टॉयलेट की सीट चाटना, पैंट में पेशाब करके पी इन पैंट का चैलेंज टिकटॉक पर चलाना, उसके वीडियोस डालना, इसको एंटरटेनमेंट बोला जाता है, इसको कंटेंट बोला जाता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अब आप बताइए कोई दिमाग वाला इंसान ऐसी हरकत करेगा, पेंट में सुसु करे, कल को टिकटॉक पे चैलेंज आता है कि ईट योर शिट, तो ये लोग पिछवाड़े से शिट निकाल के पोत लेंगे, खा लेंगे और उसके वीडियो पोस्ट कर देंगे। ऐसी हरकतें करने वाले विशुद्ध चूतिए नहीं कहलाएंगे तो और क्या कहलाएंगे। उसके बाद ये लोग यूट्यूबर्स को चैलेंज देते हैं कंटेंट के मामले में, 15 सेकंड 20 सेकंड की क्लिप ये लोग डालते हैं, उसमें भी बैकग्राउंड में किसी बॉलीवुड फिल्म का म्यूजिक डाल देते हैं और स्लो मोशन डाल देते हैं, खुद को समझते बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। अभी हम लोग जा रहे थे तो हम लोग की फ्रेंड मिली, बोलती मत जाओ आगे पुलिस वाला है, तो बोला हम लोग को पुलिस वाले नहीं मारते, सेलिब्रिटी है हम, सेलिब्रिटी को पुलिस नहीं मारती है ना, क्या बोलता भाई, क्या बोल हम सेलिब्रिटी है, हम सेलिब्रिटीज को पुलिस नहीं मारती। इस सेलिब्रिटी के कैसे सेलिब्रिटी का भूत निकाला पुलिस ने, जरा देखो। मेरा नाम सलीम शेख है, मैं मुंबई कोंडी शिवाजी नगर में रहता हूँ। मैंने इस लॉकडाउन के बीच में एक वीडियो बनाया था जिसमें बोल रहा हूँ सेलिब्रिटी को पुलिस नहीं मारती है, पर ऐसा नहीं है, रूल सबके लिए सेम होता है और मुझे शिवाजी नगर की पुलिस अरेस्ट की है बिकॉज मैंने विदाउट मास्क वीडियो बनाया था और रूल को तोड़ा था, सबसे बड़ी गलती मैंने की है और मेरे पे कार्रवाई किया जा रहा है, तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा मुंबई पुलिस को और मेरे वजह से दूसरे लोग भड़क रहे है ना फार, और मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, ये मैं जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा, सॉरी। और मास्क पहने और रूल्स का पालन करें लॉकडाउन को और अपने घर पे। तो अब ऐसे विशुद्ध चूतिए टिकटॉकर्स अगर यूट्यूबर्स को चैलेंज दे रही तो कोई चैलेंज बनता ही नहीं, इट्स लाइक टीम इंडिया को पापुआ न्यू गिनी की टीम आके चैलेंज करे कि तुम हमसे बेटर खेल के दिखाओ। अरे 15 सेकंड की क्लिप, उसमें भी स्लो मोशन डाल देंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देंगे और टनों के भाव से मेकअप कर लेंगे और बालों में हवा भर के फुग्गा फुला लेंगे और उसके बाद स्टाइल मारेंगे। जो लड़कियां मुझे बैड बॉय कहती है, जो लड़कियां मुझे बैड बॉय कहती है, शायद उन्हें पता नहीं है शहजादे कभी सुधरे हुए नहीं होते। लो भाई जमीन से उगा नहीं, ये सहजादा बन रहा, शकल से खुद छोरी लग रहा है और लड़कियों की बातें कर रहा है, ये सहजादा है तो फिर मैं तो अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ। तुम बदले तो मजबूरियाँ थी, तुम बदले तो मजबूरियाँ थी, हम बदले तो धोखेबाज हो गए। अरे पकड़ने की बात छोड़, अब उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, सभी बस यही देखना भाई, ये चाइना का संजय दत्त है, जितना बॉडी में वेट नहीं है ना कुल मिला के, उससे डबल वजन के खोपड़ी पर बाल लेके चल रहा ही है। क्यों आऊं मैं नशक्त लौंडा हूं, हट। अबे क्या बोले, दोबारा बोल तो। क्यों आऊं मैं नशक्त लौंडा हूं, हट। तू सकत लौंडा है, तू शक्तिमान। साइड देखो, मेरी साइड देखो,
बहुत क्यूट हो, बहुत ज्यादा क्यूट हो। हाय हाय, इतने प्यार से झूठ बोलती थी ना, साला कभी लगा ही नहीं झूठ बोल रही है। बोलती थी, मेरे बाबू ने तो ना ताया, मैंने भी नहीं ताया। अरे तेरे बाबू ने ताना ताया या नहीं ताया ये तो पता नहीं, लेकिन ये तू देख इधर बाबू बेबी बन गया। Thank you very much. ऐसी खूबसूरत लड़की बन के जाएंगे और लड़का अगर इन पर लाइन मारेगा फिर समागम होगा तो क्या होगा इस देश का? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भगवान ने जब धरती बनाई थी तो नर मादा बनाए थे और बीच में अगर कुछ रह गए थे तो वो लोग पहुंच गए भगवान के पास कि प्रभु हमें न तो नर बनना है न मादा बनना, हमें बीच में रख दो। तो भगवान ने टिकटॉक ये बनाए और यही टिकटॉक ये आज दुनिया भर में कहीं ना कहीं गंदगी मचा रहे हैं। ये स्कर्ट का टैग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि इनके अंदर एक लड़की घुसी हुई है जो कि फड़बड़ा के बाहर आना चाहती है। मैं तो कहता हूं सरकार से पहली फुर्सत में इस टिकटॉक नाम की अपशिष्ट पदार्थ को फ्लश कर दे क्योंकि ये सोसाइटी को बहुत ज्यादा खराब कर रही है। इतना पकाते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं। खैर, सौ की एक बात, जैसे सुलभ शौचालय में पब्लिक जाती है शौच करने यानी कि हल्का होने, वैसे ही सोशल मीडिया का सुलभ शौचालय बन चुका है टिकटॉक, जहां फर्क बस इतना है कि बढ़िया मेकअप, लिपा पोती, मस्कारा, लिपस्टिक, फिपस्टिक लगा के लोने लपाड़िया आते हैं और हगते हैं और उनके टिकटॉक के फॉलोअर्स इस तरह से ताली बजा बजा के उसको अप्रिशिएट करते हैं। भाई ऐसा है कि सुअर को टट्टी यानी कि गटर में ही लौटता है सुअर, और ऐसे गटर अपशिष्ट पदार्थों को जो लोग पसंद करते हैं वो खुद को कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर जो हवा में बहुत उड़ते हैं, इनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, गैंग्स ऑफ वसीपुर पिक्चर में एक डायलॉग है जो कि शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो डायलॉग ये है कि आण कितना ही उछल रहता लाण के नीचे ही है। इस वर्ड का मीनिंग आप बाद में गूगल कर लीजिएगा। तो ये जो बहुत उछल रहे हैं ये आण है, ये टिकटॉक ही है जो खुद को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर समझते हैं। तो ये है टिकटॉक और टिकटॉकियों की अनटोल्ड स्टोरी जो मैंने आपके सामने रखी है। इनके अंदर एक ऐसा अपशिष्ट छक्का पदार्थ है जो ये दिन रात लोगों को दिखाते रहते हैं और लोग पता नहीं कैसे देख भी लेते, झेल भी लेते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा इनके बारे में आपका ओपिनियन, आपका नजरिया। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये लोग दुनिया को बिगाड़ने पर उतारू हो चुके हैं? कल को ये पता नहीं कैसे ईट योर शिट चैलेंज भी लेके आ जाएंगे जिसमें लोग अपने पिछवाड़े से निकालेंगे और मुंह पे लगाएंगे और बस लोगों को चैलेंज करेंगे। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, पेंट में पेशाब करके वीडियो डाल रहे हैं, देन दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन गो टू एनी लेवल इन द नेम ऑफ कंटेंट क्रिएशन और एंटरटेनमेंट और ब्ला ब्ला दुनिया भर का। कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, वीडियो अच्छा लगा हो, बात ऐसी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएस टिकटॉक्स आपने नहीं किया हो तो। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।